नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की राजनीति कौन सी करवट लेगी, ये सब कुछ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के अगले कदम पर निर्भर करता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे जो कि गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल में रुके हुए हैं, दरअसल वो होटल से निकल चुके हैं और एकनाथ शिंदे मुंबई या फिर दिल्ली आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे दरअसल पहले कामाख्या मंदिर गए हैं और उसके बाद वो वहां से मुंबई या दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल मुंबई पहुंचकर वो डिप्टी स्पीकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लगातार सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल काफी तेज है, लेकिन ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी और गुवाहाटी से लेकर राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक हलचल है, इसको लेकर जाहिर तौर पर दिल्ली तक भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल से निकल चुके हैं, एक बाकायदा एक काफिले के साथ वो निकले हैं और मुंबई वो पहुंच सकते हैं जहाँ वो डिप्टी स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल एक के बाद एक जो शिवसेना के नेता हैं वो दरअसल शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और फिलहाल जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जानकारी सामने आई है जो कि खुद शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे ने दी है, उन्होंने दावा किया है कि उनके पक्ष में फिलहाल शिवसेना के 42 विधायक हैं और वहीं 8 और विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यानी संख्या जो है वो लगातार विधायकों की बढ़ रही है और ऐसे में जो दल बदल कानून है वो भी लागू नहीं होता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की सरकार अब बच नहीं पाएगी क्योंकि उनके कुछ और विधायक अब बाकी गुट में शामिल हो रहे हैं। ये आंकड़ा जो है ये अब हाफ सेंचुरी पार कर रहा है, यानी 50 से भी ज़्यादा जो विधायक हैं वो दरअसल एकनाथ गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अलग गुट बनाएंगे, ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ी संकट की घड़ी महाराष्ट्र में आ चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो महाराष्ट्र में कर्नाटक जैसे बन रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह कर्नाटक में 2018 में दरअसल इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, वैसी ही स्थिति अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है जहां महाविकास आगाही और उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विधायकों की जो संख्या है वो लगातार शिंदे गुट में बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सियासी बयानबाजी चरम पर है। तो वहीं 12 विधायकों को सस्पेंड करने की बात भी शिवसेना की ओर से कही गई है, ये मांग उन्होंने विधानसभा के उपाध्यक्ष से की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर विधानसभा भंग होती है तो विधानसभा भंग करने का सीधा असर जो है वो राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा से अगर ये विधायक लंबित होते हैं तो राष्ट्रपति शासन हो तो विधायक और बाकी विधायक भी वोट डाल सकेंगे। वहीं स्पीकर ने बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित अगर कर दिया तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अयोग्य घोषित जो विधायक हैं वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बाकी विधायकों की अदालत अगर जाते हैं तो कोर्ट स्पीकर के आदेश पर रोक लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर पाएंगे। हालांकि ये सब तभी होगा जब विधायक स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाते हैं और कोर्ट इस तरह का अपना फैसला देता है, तब जाकर इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में उत्पन्न होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्हें दरअसल एक याचिका एक लेटर लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये 12 शिवसेना के बाकी विधायक हैं जो कि मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं और इनकी सदस्यता रद्द की जाए। हालांकि इस पर आने वाले वक्त में
स्पीकर का क्या फैसला होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है, ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर एकनाथ सिंधे का अगला कदम क्या होगा। क्या एकनाथ सिंधे बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपना अलग गुट बनाएंगे, क्या उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एकनाथ सिंधे ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल उनके पास 42 विधायक हैं और ऐसे में विधायकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में ये साफ है कि शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे गुट के पास फिलहाल 10 से भी कम विधायक हैं। और अगर ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है तो जाहिर तौर पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी जो महाविकास आघाड़ी है उसके पास नहीं रह जाएगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी ये संभव है। और ये तय है कि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल इतने विधायक नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी को किसी भी तरीके से बचा पाए, और यही वजह है कि एकनाथ सिंधे गुट को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर शिवसेना से बगावत कर चुके एकनाथ सिंधे क्या फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एकनाथ सिंधे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए किंग मेकर बनकर उभरे हैं, जिस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम एक्शन से डरने वाले नहीं हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो 12 विधायक हैं, जो बाकी विधायक को सस्पेंड करने की बात कही है, डर चाहेंगे, तो ऐसा नहीं है। और वहीं कितने ज्यादा उद्धव ठाकरे और संजय राउत झटपटाए हुए हैं कि साफ तौर पर उनके एक्शन से समझा जा सकता है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने दरअसल जो विधायक एकनाथ सिंधे के गुट में गए हैं, विधायकों के साथ सुरक्षा के तौर पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं, जो PSO हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। DGP, आयुक्त, गृह सचिव, गृह मंत्री को क्यों नहीं हटाया, ये सवाल है उस मुख्यमंत्री का क्या, जो वास्तव में बगावत के बारे में सुनकर ही सो रहा था। इस तरीके के लगातार लोग जो है सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन पर अब उद्धव ठाकरे एक्शन ले रहे हैं, वहीं संजय राउत जो हैं वो सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई है वो सड़क पर पहुंच चुकी है, अब सड़क पर ये लड़ाई होगी, अब शिव सैनिक और जो उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं वो सड़क पर उतरेंगे। तो इस तरीके की धमकियां और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उस पर देखना होगा कि जो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं या स्पीकर हैं उनका रुख क्या होता है और एकनाथ सिंधे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इस सियासी भूकंप में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एकनाथ सिंधे क्या कदम उठाएंगे, क्या वो उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत या फिर शिवसेना से कोई बातचीत करेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात होगी, और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि डिप्टी स्पीकर से वो मिल सकते हैं, तो क्या कुछ उनका अगला कदम होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल एकनाथ सिंधे मुंबई आकर बातचीत करें और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए। यहां तक उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि अगर एकनाथ सिंधे आकर मेरे मुंह पर ये बोले कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहता या फिर शिवसेना के अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहता, तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहीं एकनाथ सिंधे ने उद्धव ठाकरे को जो प्रस्ताव दिए हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से ठुकरा दिए हैं, तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ इस बात पर ही निर्भर करता है कि आखिर एकनाथ सिंधे का कदम क्या होगा। वहीं बैठकों का दौर जारी है, आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी बैठक चल रही है, तो वहीं लगातार शिवसेना और NCP और कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की इस सियासी हलचल का नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप से लेकर मीटिंग का दौर लगातार जारी है, और कर्नाटक में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हमने 2018 में देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वहां बड़ा छटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद किस तरह से वहां सरकार बनी, कुछ ऐसी ही स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। तो सवाल यही है कि महाराष्ट्र में आखिर एकनाथ सिंधे
क्या कदम अगला उठाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी, शिवसेना और साथ ही एकनाथ गुट जो है उस पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं कि एकनाथ शिंदे अगर मुंबई आ रहे हैं तो उनकी मुलाकात क्या डिप्टी स्पीकर से होगी या फिर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट जो है ये पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने ये कोर्ट में अर्जी दायर की है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग जया ठाकुर की ओर से की गई है और याचिका में ये अपील की गई है कि दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं ये कहा गया है और मांग की गई है कि दरअसल अर्जी में दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने वाली मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि ऐसे विधायकों पर उनके इस्तीफे विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगे। महाराष्ट्र के विधायकों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए ये अर्जी दायर की गई है। फिलहाल पूरा मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आखिर क्या कुछ टिप्पणी करती है, लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की सियासी हलचल है वहां भी जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है उसमें संजय राउत जैसे नेता का ये कहना है कि या तो कानूनी तौर पर लड़ाई होगी या फिर सड़क पर लड़ाई होगी, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर उतरेंगे, ये उनकी तरफ से भी कहा गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का ये राजनीतिक घमासान आखिर कहाँ जाकर रुकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।